हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के ऑफिशियल वेब पेज पर लॉगिन कर चुका हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप देख सकते हैं, gmcbhopal.net। ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है जीएमसी भोपाल की तरफ से। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। भर्ती की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी मेडिकल लैब टेक्नीशियन थर्ड एंड सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ICMR प्रोजेक्ट। तो ICMR प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि आपकी साइंटिस्ट ग्रेड सी की वैकेंसी है, मेडिकल की लैब टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी है, और सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहां पर है, और बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट को हम यहां इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, और आल के नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली एमपी से रिलेटेड, एमपी नर्सिंग से रिलेटेड या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ और देखते हैं पूरी अपडेट। तो सबसे पहले यहाँ से हम इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड डिटेल्स दिया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। एडवर्टीजमेंट नंबर ऊपर दिया हुआ है 19934 GMC भोपाल अब्लिक कम्युनिटी मेडिसिन अब्लिक 2022, और डेट आप देख सकते हैं 13 मई 2022 की नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी मेडिकल लैब टेक्नीशियन थर्ड एंड सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ICMR प्रोजेक्ट। ICMR प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी है, टेन्योर बेसिस से वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं सीधा वैकेंसी टेबल की ओर। तो यहाँ पर जो है पूरी क्वालिफिकेशन और वैकेंसी टेबल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ कैटेगरी एंड कैटेगरी दी गई, यानी कि टेन्योर बेसिस पे कितने साल की वैकेंसी है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर जस्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। कंसोलिडेटेड सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई, और अपर एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है देख सकते हैं साइंटिस्ट सी की वैकेंसी है मेडिकल की, और कितनी वैकेंसी, एक पोस्ट है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए यहाँ पर है ओपन कैटेगरी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है क्या क्वालिफिकेशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD MS या DNB है आफ्टर MBBS, यानी कि MBBS के बाद, और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो फिर आप यहाँ पर आपके पास मेडिकल सब्जेक्ट इन मेडिकल सब्जेक्ट आफ्टर MBBS, तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और MBBS डिग्री है 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन मेडिकल सब्जेक्ट आफ्टर MBBS डिग्री, तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा पैथोलॉजिस्ट को जो कि MD डिप्लोमा हो या फिर एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट MD CM MPS से हो। और सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 64,064 यहाँ पर इसकी सैलरी रखी गई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर दे दी गई 40 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। अब इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी दी गई है, तो लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है लैब टेक्नीशियन थर्ड, और 4 पद यहाँ पर रहने वाले हैं, 4 पोस्ट यहाँ पर रहने फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स का यहाँ पर भी आपका टेन्योर बेसिस रहेगा, और UR में 3 और OBC में 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि MLT का डिप्लोमा, DMLT आपके पास होना चाहिए, आप PMW आप रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी आर रिलेटेड सब्जेक्ट, या फिर आपके पास 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और 2 ईयर्स फील्ड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास एनिमल हाउस कीपिंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी यहाँ पर 18,000 रखी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं 30 साल एज लिमिट रखी गई, इसकी अपर लिमिट 30 साल रखी गई है। फिर यहाँ पे अगली जो वैकेंसी है इस यहाँ पे देख सकते हैं सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, 1 पद यहाँ पर है और UR में है, और ग्रेजुएट इन साइंस है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट से डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, विद यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है आपके पास मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सैलरी 32,000 रुपये सैलरी रखी गई है, 30 ईयर यहाँ पर अपर एज की लिमिट यहाँ पर रखी गई है, और टेन्योर बेसिस वैकेंसी है मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन्योर बेसिस यहाँ पर वैकेंसी है, ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई कितने साल के लिए आपका टेन्योर बेसिस यहाँ पर रहने वाला है।
फिर यहाँ पे बात करें जो है एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एडवर्टीजमेंट है ये आपको GMCBhopal.net की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें कि जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जिसमें कि आपके एज सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एजुकेशनल से हो, एज से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस ETC, और दो रिसेंट पासपोर्ट साइज के कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, और एक सेट जो है आपके पास सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी होना चाहिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की। और ये जो है आपको आपके रिटन टेस्ट के समय या फिर आपके इंटरव्यू के समय ये यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है दिया गया है जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पर इसकी 31 मई 2022 रखी गई है। शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करना, ऑफिस ऑफ द डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में आपको सबमिट करना है। और आप यहाँ या तो खुद यहाँ जाकर यानी कि सेल्फ जाके सबमिट कर सकते हैं या फिर बाई पोस्ट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो भी वैकेंसीज हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, इसको आपको फिल करके सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।